काते गांव के जो धरती है, यहाँ पर सभी वर्ग समुदाय और धर्म के जो आस्था के प्रतीक हैं, उन सभी देवी देवताओं को मैं नमन से वजूहार करता हूँ। साथ ही अखिल भारतीय गोरवाना पार्टी के माध्यम से ये जो आयोजित सभा है, इस सभा में मुख्य अतिथि हमारे बीच में सम्मानीय मनमोहन साहब अट्टी जी, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, हमारे बीच में कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में एन आर भुआरे जी हैं, हमारे बीच में सामाजिक संगठन है उसके कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानी ठाकुरिया जी, सम्मानी मोहन ओझा जी, हमारे बीच में रंजीत सिंह भिलाला जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जी, महेश वाड़ीवा जी, जिला अध्यक्ष पार्टी के अजब सिंह मरसकोले जी, हरिओम कोकड़िया जी, विनोद मरसकोले जी, करण पटेल जी, जितेंद्र कुमरे जी, राजपाल धनगर जी सहित मंचासीन सब समस्त पार्टी पदाधिकारियों को मेरा नमन सेवा जोहार। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना भारतीय गोंडवाना पार्टी के माध्यम से इस आयोजन में चारों तरफ से आए ग्रामीण क्षेत्र से हमारी नाम अभी लिखा मातृशक्ति रहा हूँ। पितृ शक्तियों, आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार। और सेवा जोहार उन शासकीय कर्मचारियों को जो यहाँ पर सेवा देने आए, पुलिस प्रशासन, हमारे पत्रकार बंधु होंगे तो पत्रकार बंधुओं को और सारे व्यवस्थापकों को मैं अपनी ओर से सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, काफी देर से आप लोगों ने यहाँ पर मुख्य अतिथि का इंतजार किया, काफी समय भी हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को हमको सुनना है, ताकि उसके उनके जो दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से हम लोगों को पार्टी की गतिविधियों को हम लोगों को आगे ले जाना है। साथियों, कहा जाता है कि अर्थ धर्म और राजनीति का मतलब जिसने समझा है, ऐसी कौम सदा सत्ता पर चढ़कर शासन करता है, चढ़कर शासन करता है। अर्थ मतलब पूंजी के महत्व को, धर्म मतलब धार्मिक व्यवस्था को और राजनीति व्यवस्था। आज पूंजी की व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था को थोड़ा थोड़ा टच किया है हमारे ककोड़िया जी ने और माननीय भुआरी जी ने, तो उनकी तरफ मैं नहीं जाते। आज जो राजनीतिक मंच है, इसलिए राजनीतिक के विषय में कुछ विचार आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। साथी, ये आवश्यक क्यों है, राजनीति करना आवश्यक क्यों है? इसलिए साथियों कि वर्तमान की जो राजनीति है, इस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, वो राजनीतिक व्यवस्था इस देश के निवासियों को सुख और समृद्धि नहीं दे पा रही है। इस नेता का मतलब होता है, राजसत्ता का सत्ताधारी का मतलब होता है उस देश का जो नागरिक है, उस देश का जो आखिरी से आखिरी छोर का जो व्यक्ति है वो भी खुशहाल रहना चाहिए, ऐसी सत्ताधारी का दायित्व और कर्तव्य होता है, ये बात संविधान कहता है। संविधान इस देश के हर नागरिक को मान सम्मान इज्जत से जीने का अधिकार देता है। इस देश के बच्चे से लेके बूढ़े तक को इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान से भरपेट रोटी, उसके स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था, ये सारी चीजें संविधान हमारे लिए व्यवस्थित किया है। और जिसके हाथ में संविधान आता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस तरीके से संविधान के मंशा के हिसाब से इस देश की व्यवस्था को कायम करे। लेकिन हम देख रहे हैं साथियों, इस देश में लगातार प्रयोगवादी कार्यक्रम हो रहे हैं कि गरीबी मिटाने का प्रोग्राम, तो कई स्वास्थ्य के लिए संबंध में
विकास के संबंध में कहीं नोटबंदी करके, तो ये क्या प्रयोग करते करते इतने 70 साल गुजर गए। तुम केवल इतना बड़े बड़े एक्सपर्ट रखे हो इस देश में, दो दो चार चार लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाह दे के एक्सपर्ट रखे हो, इस देश में संविधान की मंशा के हिसाब से कैसे ये देश विकास करेगा? इस बात के लिए आप विशेष तनख्वाह दे के आप एक्सपर्ट रखे हैं, योजना मंडल बना के रखे हैं, केंद्रीय योजना मंडल, राज्य योजना मंडल, प्रदेश जिलों के योजना मंडल, ये योजना कौन सा योजना दे रहे हैं? ये योजना दे रहे हैं कि बच्चे को भोजन के ये मध्यान्ह भोजन खिलाओ, ये प्लानिंग दे रहे हैं। ये नहीं कि उसके बाप को मजबूत कर दो, ये मध्यान्ह भोजन खिलाने की जरूरत नहीं। वो कटोरा लेके जाता है बच्चा, वहां शिक्षा के नाम से कटोरा लेके, कटोरे की उसकी भीख मांगने की आदत डलवाए। ये क्या प्लानिंग है आपकी? क्या इस देश को आगे ले जाने की व्यवस्था बना रहे हो कि इस देश को कटोरा लेके भीख मांगने की व्यवस्था बनवा रहे हो? और इसलिए साथियों, इनके जो प्रयोगवादी कार्यक्रम अब तक चल रहे हैं वो देश के विकास के लिए घातक है, देश के विकास के लिए घातक है। यही कारण है कि हम 1947 में आजाद हुए, हमसे बाद में 48-49 में जापान आजाद हुआ। अंग्रेजों का गुलाम वो भी था, अंग्रेजों का गुलाम हमारा भारत भी था। हमारे बाद में आजाद हुआ, हम तो पहले ही आजाद हो गए 1947 में, वो 48-49 में आजाद हुआ वो देश। वहां की नीतियां, वहां के नेता, वहां की राजनीति ऐसी सेटअप किए उन्होंने कि वो देश आज दुनिया की 5 महाशक्तियों में उसकी गिनती होती है। 5 महाशक्तियों में गिनती होती है उसकी। ऐसा विकास किया और हम उससे 2 साल पहले आजाद हुए, आज भी हम विकासशील देश की गिनती में आ रहे हैं। वो विकसित देश हो चला, वो विकसित हो गया है वो देश। वहां कोई भूखे नहीं मरता, वहां कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं है, वहां किसी को कोई अपमानित नहीं कर सकता। वहां थोड़ी सी यदि किसी को आंख दिखा दिया तो उतने में वहां FIR हो जाता है, उतने में उसको वहां का संविधान दंडित कर देता है। यहां तो आंख दिखाना क्या, झापड़ मार दे रहे हो तब भी वहां पर आपके लिए कार्रवाई नहीं होती। कितना अंतर है इस देश में और उस देश में जो हमसे बाद में आजाद हुआ। इसलिए हमको इस देश के लोगों को, इस देश के हर नागरिक को चिंता करना चाहिए कि ये इस देश को, इस देश का जो शासक है, जो भी बना हो, कांग्रेस या भाजपा का, आज तक लंबे समय तक इन्हीं की सरकार रही है। और इसलिए जिम्मेदार यही है, क्योंकि ज्यादा समय तक इन्होंने राज किया है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और उसके दोषी ये ज्यादा बनते हैं। और इसलिए हमारा ये कहना है, ये प्रयोगवादी कार्यक्रम अब समाप्त होना चाहिए। प्रयोगवादी कार्यक्रम समाप्त होने के की जगह ये फिर से नए नए प्रयोगवादी कार्यक्रम ले आ रहे हैं, और उस प्रयोगवादी कार्यक्रम में वो अपना भला कैसे होगा इस बात का डंका पीट रहे हैं। साथियों, इस बात को आपके सामने लेकर आते हैं। इसलिए इस देश का जो मूल निवासी, इस देश का जो आदिवासी की आप बात कर रहे हैं, इस देश का हर नागरिक परेशान। चंद मुट्ठी भर लोग, चंद पूंजीपति लोग, जिनके जो यहाँ के आपके मुंह पहुंचकर आपका धन कहाँ बैंकों में जमा होता है, आपके धन सरकार के खजाने में जमा होता है। आपने बीड़ी खरीदा, बीड़ी में टैक्स लगा, कपड़ा खरीदा, कपड़ा में टैक्स लगा, आपने जो भी खरीदा उसमें सब में टैक्स लगा, और वो टैक्स सरकार के खजाने में जाता है, और वो टैक्स आपके सरकार के खजाने में जाता है। कहीं वहां से वहां पर कोई पैदा नहीं होता, वहां कोई रुपया पैदा नहीं होता केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। ये सब आपका दिया हुआ, ये आपका टैक्स, आपका के टैक्स के उससे सरकारी खजाने में जाता है, और उस सरकारी खजाने से आपको आपकी ही चीज आपके विकास के लिए खर्च की जाती है। बाहर से कहां से आए, बाहर से कहां? फिर भी इसके अलावा ये पैसा हम थोड़ा बहुत करके बैंकों में रखते हैं, इस देश के खजाने में जाता है। तो यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग, इनको ऐसी छूट दी जाती है कि यहाँ से ये लोग हजारों करोड़ों रुपया निकाल के और बकायदा देश चले जाते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे धन की चोरी हो रही है, तुम सरकार हो, तुम्हारे रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन
चूंकि वो तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, इसलिए उसको तुम बड़े आराम से जाने दे। एक किसान यदि थोड़ा सा कर्ज ले ले, एक आध किस्त ना पटाए, उसका ट्रैक्टर खींच के ले आते हो और उसको आप नीलाम कर देते। कोई यदि कर्ज नहीं पटा पाया, ब्याज ही नहीं दे पाया, उसकी कुटीट गिरी, उसके बर्तन भाड़े और ये जानवर उठा ले जाते, और वो विजय माल्या इस देश का करोड़ों अरबों रुपया उठा के ले गया, वो अरबों रुपया अय्याशी में खर्च कर दिया। उसको पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। आज ये जो 5-6 करोड़ रुपए लेके एक और बंदूक भाग गए, तुम्हारी देखरेख में भाग गए। विजय माल्या ने तो एक चेक बनाया था भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का, उसका चेक भी ओपन हो गया। वो चेक दिया था चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में सहयोग करने के लिए भाजपा को, और वो चेक आज भी बिल्कुल वायरल हो गया साथी। तो ये तुम्हें चंदा दे और इस देश का धन लूट के उधर ले जाए, इसके लिए तुम लोगों को सत्ता में बैठा गया है क्या? इसके लिए कतई तुम्हें सत्ता में नहीं बैठा गया है, इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए आपको बैठा गया है, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर इस देश की जनता को उठना पड़ रहा है, इस देश की जनता को पुनर्विचार करना पड़ रहा है आपके बारे में। इतने दिन तक कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने पिछलो पायजन दे दे के कमजोर करने का काम किया, अब ये तो सीधे डसने वाले नाक की तरह हैं। आज साथियों, इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, मूल निवासी जिनको कह रहे हैं, ऐसे बहुसंख्यक वर्ग आज बहुत ज्यादा तकलीफ में है। चंद मुट्ठी भर लोग, उसमें भी जो उच्च वर्गीय कहते हैं, वो लोग भी तकलीफ में है। उनके लिए भी तो मनु का संविधान स्थापित होने वाला है, जिसमें उनकी माताएं बहनें भी आएंगी, ढोल गवार सूत्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी उन्हीं ने तो लिखा है, वही संविधान तो फिर से स्थापित करने की बात आ रही है इस देश में साथियों। अब संविधान से छेड़छाड़ करने की बात आ रही है, क्योंकि देश के संविधान ने इस देश की नारी को सम्मान देने का काम किया, इस देश के संविधान ने इस देश के दबे कुचले वर्ग को, जो शोषित था, पीड़ित था, छुआछूत ऊंच नीच का शिकार था, ऐसे लोगों को धीरे धीरे ऊपर उठाने का काम इस देश के संविधान ने किया, और धीरे धीरे उसके सहारे इस देश का मूल निवासी, इस देश की जो मातृशक्ति, चाहे वो किसी वर्ग और समुदाय की है, ऐसे मातृशक्तियों को एक सम्मानपूर्वक जीने का जो अवसर संविधान के माध्यम से जा रहा है साथियों। और इनके नेता क्या बोलते हैं, कर्नाटक का एक सांसद इनका बोलता है कि हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में सच्चे संविधान को बदलने के लिए आई है, हम इस देश के संविधान को बदलने के लिए भाजपा की सरकार बनाए। बताइए, तुम्हारे सामने, इस देश के बुद्धिजीवियों के सामने, सरेआम बोल रहे हैं कि हम इस देश को, तो कौन सा संविधान लागू करोगे? तो वो बोलते हैं इस देश में मनुस्मृति का जो संविधान है उसको वो लागू होगा, क्योंकि उसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था है, और वो व्यवस्था सबको कंट्रोल करके रखती थी, किसी को सिर उठाने लायक उठने नहीं देती थी, ऐसी व्यवस्था कायम रखना है, ऐसी व्यवस्था साथियों। इसलिए संकट में है देश, इस देश का आम नागरिक संकट में है, इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का व्यक्ति संकट में है, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं साथियों। अब आपने ये तय करना पड़ेगा कि संविधान को बदलने वाले को ही बदलने का काम करना पड़ेगा। संविधान बदलने की आपने सोची कैसे, दुनिया का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ संविधान है इस देश का, और उसको ही बदलने की बात कर रहा है। मतलब तुम्हें ये निचले तबके के लोग उठते हुए दिखाई देना पसंद नहीं, थोड़े बहुत पढ़ लिख कर अपने मान सम्मान और गौरव की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए आपने साथियों क्या क्या नहीं षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए इन षड्यंत्रों से को समझना पड़ेगा। इसलिए राजनीति, अर्थ धर्म की बात मैंने नहीं किया, राजनीति की बात को
दिया है। तो राजनीति क्या है साथियों, थोड़ा सा समय लेके मैं आपको बताना चाहूंगा। राज करने की नीति या नीतियों का के ऊपर राज, राज करने की नीति कांग्रेस की अलग होती है, राज करने की नीति भाजपा की अलग होती है, राज करने की नीति तुम बनाओगे तो तुम्हारी अपनी अलग हो। और वही नीतियां जो राजपाट में बैठते हैं और उन्हीं नीतियों को फिर फैलाने का काम करते हैं, उन्हीं नीतियों को लागू करवाने का काम करते हैं। इसका मतलब 70 सालों से कांग्रेस या भाजपा की राज करने की नीति दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, संविधान विरोधी है। तो ऐसी नीति चलाने वाले और ऐसे राज करने वाले लोगों को अब यहां पर इस देश में राज करने का अधिकार बिल्कुल नहीं। वोट हमारे पास है तो राज हमारा होना चाहिए। इस क्षेत्र में आप सोचते हो कि हमारे एक विधायक जीत जाने से क्या होता है। साथियों, एक विधायक जीत जाएगा तो एक विधायक के सारे थाने तुम्हारे विधायक के कब्जे में हो। यहाँ के जो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी जमीन है, जल जंगल जमीन है, वो तुम्हारे विधायक के कंट्रोल में रहे। यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां, वहां की धार्मिक परिस्थितियां, वहां की पूरी व्यवस्था उस विधायक के नेतृत्व में रहता है साथियों। और वो नेतृत्व इस देश का जो मूल निवासी, इस क्षेत्र का जो मूल निवासी, उसको आज तक नहीं मिला है। इसी के कारण आप लोग परेशान हैं। यदि वो नेतृत्व तुम्हारे पास होता तो वो यहाँ की थाने कचहरी जो भी है, इस विधानसभा क्षेत्र की जो हवा और पानी है, पटवारी और तहसीलदार है, वो सब तुम्हारे अंदर में होता, वो सब तुम्हारे मान और सम्मान करता। लेकिन क्या हो रहा है, यदि उसका जो जिसका विधायक है उसका व्यक्ति यदि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो आइए साफ करके थानेदार भी उनको बिठाता है, आइए बड़ा सम्मान के साथ। लेकिन तुम में से गरीब गुरुआ कोई चला जाए तो थानेदार दूर से डांटता है, करे कैसा है, साले बंद कर दूंगा। इस तरीके के वातावरण है। जिस दिन तुम्हारा विधायक होगा उस दिन ये थाना, पटवारी, तहसीलदार तुम्हारे कब्जे में होंगे। अब उनका भी क्या है बेचारा, उनको तो ड्यूटी करना है, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और ऐसे यदि आपका विधायक होगा साथियों तो यहाँ के हवा पानी, यहाँ की तहसील और कचहरी तुम्हारे कब्जे में होगी। और इसी का कब्जा दिलाने के लिए अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी तुम्हारे पास है। तुमको तय करना पड़ेगा कि यहाँ की हवा पानी